Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to cover properties of inverse trigonometric functions. So without any further delay, let's start with the topic. So सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है कि हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि उसका इनवर्स बाहर है और वो फंक्शन अंदर है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा. तो ये सब x के इक्वल तभी होंगे अगर x इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करता है. और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और यू कैन से रेंज एंड डोमेन, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो वी नो दैट द रेंज और यू कैन से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कोस इनवर्स फंक्शन की जीरो से पाई, टेन इनवर्स फंक्शन की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. साइन इनवर्स में ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ये क्लोज है और यहाँ पे ये इंटरवल ओपन है. अगला है कोट इनवर्स कोट एक्स, तो इसकी ये एक्स के इक्वल तभी होगा जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर, और वो क्या होती है जीरो से पाई. सेकेंड इनवर्स की जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, को सेकेंड इनवर्स फंक्शन की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अब की बार जो सिंपल फंक्शन है वो बाहर है और जो इनवर्स फंक्शन है वो अंदर है. यहाँ पे देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो ये सब एक्स के इक्वल होंगे. और यहाँ पे जरूरी नहीं है हमें एक्स मिले, यहाँ पे एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स बाई टू कुछ भी हो, वो एज इट इज यहाँ पे तभी आएगा जब वो यहाँ जब जो वैल्यू यहाँ पे है वो कहाँ बिलोंग करेगी, इधर तो ये बिलोंग करनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे जब इनवर्स फंक्शन बाहर हो और सिंपल अंदर है. लेकिन अगर सिंपल फंक्शन बाहर है और इनवर्स फंक्शन अंदर है तो ये एक्स बिलोंग करना चाहिए इनकी डोमेन पर. डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स फंक्शन की माइनस वन टू वन, कोस फंक्शन की माइनस वन टू वन, टेन फंक्शन टेन इनवर्स फंक्शन की ऑल रियल नंबर, कोट इनवर्स फंक्शन की ऑल रियल, सीकेंड इनवर्स फंक्शन की होती है ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन टू वन, सीकेंड कोसिकेंड इनवर्स फंक्शन की होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. ओके, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन. सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में भी किए थे कि अगर साइन इनवर्स कोसिकेंड इनवर्स और टेन इनवर्स के फंक्शन है और उनके अंदर जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स ऐसे हैं तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, बिकॉज टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा. लेकिन कोस सेकेंड और कोट में हम लिखते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, बिकॉज कोस ऑफ माइनस थीटा होता था कोस थीटा. सेम इज द केस इन इनवर्स फंक्शन, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, नॉट माइनस कोस इनवर्स एक्स. सो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, कब होगा जब x बिलोंग करेगा डोमेन में, दैट इज माइनस वन टू वन. कोस इनवर्स x माइनस x होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, x बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन, दैट इज द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स फंक्शन. टेन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से. कोट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. सो दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कोस फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोट फंक्शन बिहेव लाइक द सेम. अब देखो कोस सीकेंट और कोट में क्या होगा, पाई माइनस करना पड़ता है, लेकिन साइन कोसिकेंट टेन में हम डायरेक्ट माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर फोर, साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. इफ यू वॉन्ट टू सी देयर प्रूफ दिज ऑल यू नो प्रॉपर्टीज और यू कैन से आइडेंटिटीज, अगर आपको इनका प्रूफ भी करना है ना तो आप कर सकते हैं, पर आई थिंक प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, सो इट्स बेटर यू स्टार्ट लर्निंग दिस फॉर्मूलाज. सो साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल टू कोस सेकेंट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन.
cos inverse 1 by x is equal to secant inverse x. X belongs to all real numbers except minus 1 to 1. tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x अगर x greater than 0 है, और minus pi plus cot inverse x अगर x less than 0 है. यहाँ पे भी देखो, ये cosecant inverse x की जो principal value branch है उससे belong करता है, ये secant inverse x की जो principal value branch है उससे belong कर रहा है x. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू. एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन टू वन. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल सी दैट इन द एक्सरसाइज बहुत सारी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज होगी. तो आप इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके मार्क करें. नेक्स्ट इज टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू. एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से. सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंड इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू. एंड x विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू वन. एंड दिस x हेयर ये क्या है, यहाँ पे इनकी डोमेन है. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 6. टेन इनवर्स, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अगर एक्स वाई लेस देन वन है, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आई थिंक इन 11th क्लास भी हमने ये पढ़ा था कि जैसे tan a प्लस tan b क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b अपॉन वन माइनस tan a tan b. सो सेम थिंग इज हेयर, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. a b की जगह हमने x y ले रखा है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अब देखो ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है. अगर आप एनसीईआरटी में भी देखो तो एक दो क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं. तो अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी याद करते तो देन ऑल्सो इट्स ओके. बट इफ़ यू कैन लर्न देन यू शुड डेफिनेटली लर्न दीज ऑल्सो. दीज आर सम एडिशनल. अब इसमें कंडीशन है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है, y ग्रेटर देन ज़ीरो है, और एक्स वाई ग्रेटर देन वन है. देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके इक्वल होगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन वन. यहाँ पे कंडीशन देखो, एक्स वाई लेस देन वन है, और यहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन ज़ीरो है, y ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन अगर ये एक्स वाई भी ग्रेटर देन वन है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा. यहाँ पे हम इसमें पाई और ऐड कर देंगे, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन tan वन माइनस एक्स वाई. अब अगर x भी लेस देन ज़ीरो है, y भी लेस देन ज़ीरो है, और एक्स वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन वी विल राइट माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला केस देखते हैं. x लेस देन ज़ीरो, y लेस देन ज़ीरो, एक्स वाई लेस देन माइनस वन, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वुड बी पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई. यहाँ पे कंडीशन थी एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन, यहाँ पे है एक्स वाई लेस देन माइनस वन, ये दोनों x और y लेस देन ज़ीरो रहेंगे, तो हम पाई प्लस जो ऊपर था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई ये लिख देंगे. और अगर x भी लेस देन ज़ीरो है, y ग्रेटर देन ज़ीरो है, और एक्स वाई लेस देन माइनस वन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस. सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन लर्न. आई विल नॉट से दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 7. टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और x हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन तक. अब देखो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 11th क्लास में कि tan 2 थीटा क्या होता है. उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब tan 2 थीटा था ये, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा. और अब 2 थीटा tan इनवर्स हो जाएगा, और थीटा क्या है, tan इनवर्स x. तो अगर आप ये प्रूफ भी करना चाहते हो तो ये बहुत सिंपल है. ये अगर आप इनका प्रूफ भी देखना चाहते हो तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट इज 2 tan इनवर्स x
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। आप देखो tan का फॉर्मूला साइन, यू नो देखो साइन का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का। अगला है कोस का फॉर्मूला क्या था tan के टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज ही यहीं पर है। अब 2 tan इनवर्स x को हमें साइन इनवर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स को कोस इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपसे ये कंडीशन याद भी नहीं हो रही ना तो कोई बात नहीं है, हमें है ना क्वेश्चंस में एनसीईआरटी और यू कैन से बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमें इसी रेंज में मिलेंगे, रेंज चेंज नहीं करते, बस ये हमारी नॉलेज के लिए है। इट्स बेटर कि आप याद कर सकें, लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि हमें जो रेंज मिलेगी वो इसी के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 8, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर आप x को साइन थीटा पुट करते हो तो 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो, थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा। और साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया था, थीटा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये मैं प्रूफ बता रही हूँ आपको, और नहीं, प्रूफ बहुत सिंपल है इनका। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 9, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x को। अब देखो एक्स को आप साइन थीटा पुट करो तो इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा। एक्स को साइन थीटा पुट किया तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, तो प्रूफ हो गया ना। तो जो सिंपल फंक्शंस के, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे बस ये वही है। तो अब वहाँ पे सिंपल थे, ये अब यहाँ इनवर्स है। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनकी जो कंडीशन है वो आप याद कर सको तो बेटर है, क्योंकि ये भी एक दो क्वेश्चन में यूज होगी। दैट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई इज लेस देन 0। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा देना, एक याद करने की ट्रिक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है बिल्कुल। यहाँ पे भी एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी बस डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। नेक्स्ट इज, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की तरह कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस हो बीच में तो यहाँ पे प्लस। अब कोस में उल्टा है, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा इधर, यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस। और कंडीशन क्या है, प्लस में तो है एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस में है एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 12, आई थिंक दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली हमें जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसको कोस इनवर्स के टर्म्स में, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सिकंड इनवर्स, कोसिकंड इनवर्स, इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये तो हमने फॉर्मूले लिख दिए कि कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सिकंड इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकंड इनवर्स 1 बाई एक्स। लेकिन अगर आपसे ये याद नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ट्राइंगल मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस ट्राइंगल, साइन इनवर्स एक्स को अब इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप लेते हो, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स को आप ले लो थीटा के इक्वल, तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फंक्शन इधर आके सिंपल फंक्शन हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स इज इक्वल टू साइन, एक्स यहाँ से साइन फंक्शन हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनूज एक्स है, तो मींस परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनूज क्या है वन, तो ये बेस क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर, बेस यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वेयर होगा। तो अब यहाँ से हम कोस थीटा निकालना चाहिए, तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनूज, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन, तो सेम थिंग इज हेयर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। टेन इनवर्स के टर्म्स में करना है, तो टेन फंक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेनूज अपॉन बेस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और कोसेकेंट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा वन बाई एक्स। सिमिलरली इसमें भी कोस इनवर्स फंक्शन अगर एक्स है तो उसको भी हम इसी तरह साइन साइन इनवर्स टेन इनवर्स सेकेंड इनवर्स इनमें कन्वर्ट कर लेंगे। टेन इनवर्स एक्स है तो देखो इसको करके देखते हैं एक बार, टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो टेन इनवर्स एक्स टेन फंक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज एक्स दिस इज वन, सो हाइपोटेनूज हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब साइन फंक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनूज, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। कोस फंक्शन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनूज, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। कोट फंक्शन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो वन बाई एक्स। कोसेकेंट फंक्शन होता है हाइपोटेनूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स। और सीकेंट फंक्शन क्या होता है बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनूज अपॉन बेस, सो ये हो जाएगा वन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। सो सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है, ऑल फॉर्मूलाज। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, ओके, एंड दैट इज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, दैट इज बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। सो थैंक यू एवरीवन।